अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद मती अल हसन और आप देख रहे हैं एमटीवी न्यूज। पत्तों की निजी शादी हाल में जुल्म की इंतहा, बरातियों का शक की बिना पर गरीब पापड़ फरोश पर तशद्दद, गरीब पापड़ फरोश को तशद्दद से मौके पर ही मार डाला। मजीद तफसील जानते हैं पत्तों की में मौजूद अपने नुमाइंदा राना महबूब अहमद से। जी महबूब अहमद, आगाह कीजिए। जी इंतहाई अफसोसनाक खबर है पत्तों की से, वारी गुरबत क्या इंसान इतना भी गिर सकता है। पत्तों की निजी शादी हाल में जुल्म की इंतहा, बरातियों के शक की बिना पर गरीब मजदूर पर बेपनाह तशद्दद करके मौके पर मार डाला। इस वाक्य को देखकर इंसानियत भी शर्मा गई होगी कि लाश के पास बैठकर किस तरह ये बेशर्म लोग खाना खा रहे हैं। वो मेरे अल्लाह हम पर रहम फरमा। तफसीलात के मुताबिक कल पत्तों की निजी शादी हाल अल जन्नत में बरात आई तो गरीब पापड़ बेचने वाला 50 साल सुल्तान जो जागू वाला चक चार पत्तों का रहशिया भी बच्चों की रोजी कमाने वहाँ पापड़ बेचने लगा। किसी बराती की जेब कट गई तो शक की बुनियाद इस गरीब पर किया गया। इतराज में मौजूद 9 बरातियों ने अपनी दाल लगा लिया और गरीब पर तशद्दुद शुरू कर दिया। इसने खुदा रसूल के वास्ते दिया कि इसने चोरी न की है, लेकिन बिगड़े नवाब इस पर तशद्दुद करते रहे जिससे ये मौका पर ही जंबक हो गया। जुल्म की इस दास्तान के बाद गरीब की लाश फर्श पर ही पड़ी रही और जन शादी हाल इंतजामिया ने बरातियों खाना खिलाना शुरू कर दिया। तमाम बराती लाश के सामने बैठकर खाना खाते रहे। किसी ने गरीब की लाश को अस्पताल भेजना गुराना की इतला मिलने पर थाना सिटी पत्तों की पुलिस मौके पर आई और लाश को अस्पताल मुंतकिल। रात आई जी पंजाब के नोटिस पर पुलिस ने शादी हल्के मैनेजर को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी। DSP पत्तों गैस नीफ ने साफियों राना महबूब अहमद दीगर को बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मजीद कार्रवाई करेंगे।